सिर्फ चिपसेट में चेंज करके मोटो G73 को मोटो G54 के नाम से रीलॉन्च कर दिए इन्होंने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मोटो G54 स्मार्टफोन को मोटो G73 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें IPS पैनल मिल रहा है। भाई अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और साथ ही दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है भाई, जो कि काफी अच्छी बात है। और IP रेटिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर IP52 रेटिंग के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं, जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों फोन्स बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। और साथ ही यार दोनों फोन्स के अंदर जो हमें नियर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिल रहा है ना भाई, ऑलमोस्ट क्लीन एक्सपीरियंस, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो मोटो G54 के अंदर हमें Dimensity 70205G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G73 के अंदर हमें Dimensity 935G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है भाई। बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बात करें यहां एंड टू डे स्कोर की, तो दोनों फोन्स का आता है 4,30,000 के करीब, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना यार बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो कैमरा सेटअप है ना एकदम बढ़िया, फोटो अगर आपकी क्लिक कर देगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही यार हमें दोनों फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड मैक्रो डेप्थ तीनों ही कैमरा मिल रहे हैं एक ही सेंसर के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो उसमें तो भाई फर्क है, क्योंकि मोटो G54 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो G73 सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। यार अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, डेफिनेटली मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाइए। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो मोटो G54 यहां पर 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो G73 के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, और 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि मोटो G54 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 15,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ मोटो G73 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई, वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना यार इन दोनों फोन्स के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटो G54 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है ना भाई, एकदम बढ़िया देखने को मिल रही है। साथ ही यार OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है, और बड़ी बैटरी भी आपको इसी फोन के अंदर मिल रही है। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।